जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आज मैं आपको रोस्टेड चिवड़ा बनाना बताऊंगी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और जब भी भूख लगे फटाफट खा सकते हैं इसे बनाकर। देखिए, आप मैं बताती हूँ आपको किस तरह से मैंने बनाया है। मैंने ये कढ़ाई ली है, उसमें तेल डालकर थोड़ी राई डाली है। राई चटकने पर मैंने इसमें करी पत्ता डाला है बारीक बारीक काट कर, और मैं उसे अच्छे से पका लूँगी ताकि उसका मॉइस्चर निकल जाए। इस तरह से हिलाते हुए उसे पकाते जाएं। अब मैं इसमें काजू और थोड़ी सी किशमिश डाल रही हूँ। हल्के से चलाएं। अब थोड़ी सी हल्दी डालें। हल्का हल्का इसे चलाते जाएं, एक एक सामान डालते जाएंगे हम। और अब मैं इसमें पोहे डाल रही हूँ, पतले वाले जो हम खाने के लिए बनाते हैं वही वाले पोहे हैं ये। इस तरह से इन्हें धीरे धीरे चलाएंगे, इन्हें रोस्ट करने हैं। ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से मीडियम आंच पर इन्हें हिलाते रहें। अब ये अच्छे से पक गए हैं, तोड़कर देख लें। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और ये थोड़ा सा चाट मसाला, हमें ये पुदीना पाउडर है थोड़ा सा। हमें पोहे के अकॉर्डिंग ही नमक डालना है, क्योंकि जो मैं इसमें रोस्टेड चीज़ डालूंगी उन सभी में मसाला लगा हुआ है। देखिए आप, अब मैं इसमें ज्वार, ये मूंगफली के दाने डाले हैं मैंने, अभी रोस्टेड मूंगफली के दाने हैं। ये ज्वार है, ये बाजरा है, ये सभी सामान मैं रोस्टेड डाल रही हूँ। इस तरह से बीच बीच में चलाते जाएं। ये मूंग है, ये मोठ है, ये भी रोस्टेड है। इस तरह से हम चलाते जाएंगे ताकि मसाला मिक्स होता जाएगा। आप देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। इस तरह से हम इसे चलाते जाएंगे। ये मैंने नमकीन डाली थी लास्ट में। देखिए आप, ये बनकर बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही कुरकुरी और टेस्टी बनी हुई है। देखिए आप, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, क्योंकि हमने हल्दी और थोड़ा सा पुदीना पाउडर डाला था, इससे ये बहुत ही टेस्टी बनी है। देखिए आप, बिल्कुल तैयार है। आप इसे कभी भी खा सकते हैं, जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगे आप इसे खा सकते हैं। आप एक बार ज़रूर बनाएं, ये बहुत अच्छी है। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।